हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बनाएंगे अचार हरी मिर्च का, जो कि मैंने बाहर से निकाल लिया अपने बगीचे से। और ये है हमारे पास लहसुन। सो लहसुन को सबसे पहले मैंने क्या किया है, हल्का सा फ्राई करके रख लिया है लहसुन को। और अब इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से हमने मसाले लेने हैं। इसमें मिर्च को हमने फ्राई नहीं करना है, सिर्फ लहसुन को फ्राई करके रख लिया। देख सकते हैं आप, ये मैंने बना के रख लिया है पाउडर। इसमें मैंने क्या क्या पीसा है देख लो। इसमें मैंने लिया है 2 चमचे सौंफ, 2 चमचे जीरा और इसमें 7 से 8 काली मिर्च। साथ में ही हमने इसमें डालना है, और साथ में डालना है 1/2 चम्मच मेथी दाना, ठीक है। और साथ में मैंने ये ले लिया है, ये है हमारे पास राई राई पाउडर। सो हमारे पास ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए। इसके साथ में अब आके बताऊंगी आपको किस तरह से अचार बनाना है लहसुन का और ये हरी मिर्च का। सो या पाउडर ऐसे बना कर रख लें, थोड़ा सा रोस्ट करके इसको। ऐसा पाउडर आपका जब बन जाएगा तो उसके बाद हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे आगे बनाने का अचार। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिया सरसों का तेल। एक्चुअली कौन सा सरसों का तेल है जिसमें मैंने अभी ये फ्राई करके रखे थे, तो यही तेल मैंने अब यूज़ कर लेना है। इसमें मैं डालने जा रही हूँ कुछ मसाले, बताती हूँ आपको क्या डालना है। सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी, अब हम डाल रहे हैं नमक, ये अपना स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। अब मैंने डाल दी है लाल मिर्च, जो कि ये है आपकी देगी मिर्च है। ये किस लिए, बेसिकली कलर के लिए। ये मैंने डाल दिया देगी मिर्च। अब मैंने डाल दिए सारे के सारे लहसुन इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसे मैं कर लूंगी मिक्स। ये डाल दी मिर्ची, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जो हमने सारा मसाला पीस कर रखा हुआ था, जीरा और सारा का सारा, अब मैं वो डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें मैं आगे राई भी डालूंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने मसाला डाल दिया, ये मैंने डाल दिया आगे इसमें राई राई पाउडर। सो अब जो आप इसमें मसाला डाला था हमने पीस कर जो रखा हुआ था, वो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, चाहे उसे 1 चम्मच डालना है या उसे 2 चम्मच डालना है। सो अब इसके बाद हमने इसको थोड़ा रोस्ट कर लेना है, थोड़ा आग के ऊपर थोड़ा भून लेना है, तो इस तरह से ये निकल कर आ जाएगा इससे रंग इसका। अब क्या करना है आपको, आपने इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है और इसका ठंडा होने के लिए इंतज़ार करना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा पूरा का पूरा अचार, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें डाल दूंगी मैं सिरका। आप देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया है 2 चमचे सिरका इसमें, और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये हमारा अचार बन के रेडी हो चुका है। आप देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है और कितना ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है सबकी सारी की सारी चीज़ें। और इसमें हरी मिर्ची, जो कि हमारी बिल्कुल बगीचे की मिर्ची है, और जो इसमें अब जो हमने तेल में जो फ्राई किया था लहसुन, उसका स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा। और इसको क्या कर सकते हैं, अब आप इसमें शीशे में निकाल के इसको रख सकते हैं, और साथ के साथ आप कभी भी खाना चाहते हैं तो उसको खा सकते हैं। गाइस, आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजना कि किस तरह से आपको मुझे मेरी ये रेसिपी लगी आपको, और ज़रूर इसको शेयर लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फूड अप को। थैंक यू।